भाई लोग आईपीएल 2024 का जो मैच नंबर 16 है ना, इसमें दिल्ली कैपिटल के सामने होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। के यार की बात करें तो बिल्कुल तैयार है, दो मैच खेला, दोनों मैच जीता, कि चाहे हैदराबाद की आ गए या आरसीबी का तूफान आया, सबको झेला, सबको मैचेस जीता, तो कॉन्फिडेंस तो केकेआर का बहुत हाई है क्योंकि केकेआर है तैयार। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो तीन मैच खेला, दो जीता एक हारा, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की बात करें ना, तो जो दिल्ली का कॉन्फिडेंस है ना, वो केकेआर से भी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इन्होंने पता है किसको मैच हराया, चेन्नई सुपर किंग्स को, जिससे कोई नहीं जीत पाता उससे दिल्ली जीता। और जो कॉन्फिडेंस लेके यहाँ पे आया ना, तो केकेआर को तो भैया बराबर की टक्कर देगा, ऐसा थोड़ी ना हार मान लेगा। अब चेन्नई को हरा सकता है दिल्ली, तो किसी को भी हरा सकता है, वो परफॉर्मेंस उनकी दिखी भी। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच, यही तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे आपको ना 4-5 लाख के गिब्बे के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के बीच में। कैसे बताऊंगा, मुंह से बताऊंगा कि 4-5 लाख का गिब्बे आप कैसे जीत सकते हो, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, तो अभी तक 32 मैच खेलेगा, उन 32 मैच में से 16 मैच जीता डीसी और 16 मैच जीता केकेआर। मतलब इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक का जो लड़ाई रही है ना, वो तो बिल्कुल बराबरी भी रही है। तभी तो भैया 32 में 16-16, मतलब बिल्कुल 16-16 है, किसी से कोई कम ना है। लेकिन पिछले सीजन जो इनके बीच में एक मैच खेला गया, उसे डीसी ने अपने नाम किया, तो पिछले सीजन डीसी केकेआर के ऊपर भारी पड़ा था। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो डीसी ने 3, केकेआर ने 2, सॉरी उल्टा बाय उल्टा था, डीसी ने 3, केकेआर ने 2, हाँ सही है। तो आखिरी के 5 मुकाबलों में एक आता मैच दिल्ली ज्यादा जीता जरूर है, लेकिन लगभग मामला बराबरी का। तो भैया जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो जो लड़ाई रहती है बिल्कुल बराबरी की रहती है। तो आज के टक्करदार मुकाबले में कौन होगा लवाबदार, यानी कौन होगा शानदार, कौन जीतेगा मैच, चलो एनालिसिस करके पता लगा ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो भाई साहब आपका फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं किया तो कर डालो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर आपको जानना हो कि 5 ओवर में, 10 ओवर, 15 ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन से ओवर में विकेट जाएगा, फाइनल प्रेडिक्शन क्या होगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी हाँ दोस्तों, पहले मेरे टेलीग्राम पे जाओ, जो अभी तक 15 मैच खेले गए उन 15 मैचों की लिस्ट देखो, कि जब मैंने बोला विकेट जाएगा तब विकेट गया है कि नहीं गया, 6 ओवर में जितना रन बोला उतना रन बना कि नहीं बना, 15 ओवर में जितना रन बोला उतना रन बना कि बना, उतना रन बना कि नहीं बना, जिस टीम को बोला वो टीम जीती कि नहीं जीती, या फिर जो आज का मैच है इसमें आजमा लेना कि जो चीज़ें मैं बोलूंगा वो चीज़ें होती है कि नहीं होती। भाई साहब आईपीएल की जो कहानी है ना मैं लिख रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैं बोलूंगा वही होगी। आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स है सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, एक बार ज्वाइन करो, काम देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे हम इस मैच की बात करें तो डॉक्टर YS राजाशेखरा रेड्डी ACA BDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भैया 3 से 4 बारी में मैंने स्टेडियम का नाम बताया, भैया इतना खतरनाक नाम क्यों रखते हो यार, सीधा सीधा विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम रख दिया करो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले रखते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो 3-4 बार में जब तक बोलोगे नहीं तब तक टेस्ट तुम्हारा कैसे होगा। इस मैदान पे 14 मैच खेले गए, 7 मैच में टारगेट डिफेंड, 7 मैच में टारगेट चेज, मतलब देखिए तो चेज और डिफेंड बिल्कुल बराबर से हुआ, क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना बिल्कुल एक जैसा है, बदलता बदलता बिल्कुल भी नहीं, चाहे पहले बैटिंग करो चाहे बाद में बैटिंग करो, अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू ना आई तो, अगर ड्यू आएगी तो सीधा सीधा पता जो बल्लेबाजी है सेकेंड इनिंग में आसान हो ही जानी है। एवरेज स्कोर है 169 रन, पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि 200 का मैदान है, 250 का मैदान है, 300 रन बनेगा, है 300 भी बनते T20 में, बने भाई साहब नेपाल ने मारे, लेकिन 250 वाला 220 वाला मैदान नहीं है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहाँ पे स्विंग करता है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो 169 का एवरेज स्कोर है, टारगेट चेज की बात करें तो 161 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 177 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 161 से 177 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है एंड डिफेंड भी हो सकता है। देखो भैया यहाँ का जो तो सरफेस है वो हार्ड है, जब हार्ड सरफेस होता है तो क्या होता है, न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाज होते हैं ना उनकी बॉल स्विंग करती ही है, जैसे पिछले मैच में दिल्ली के गेंदबाजों ने देखा था, खलील ने किस तरह से खलबली मचाई थी, ईशांत शर्मा को खेलना मुश्किल हो गया था। तो न्यू बॉल से दीपक चाहर ने भी अगर
सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते तो उनको भी स्विंग मिलती है। तो न्यू बॉल से 3-4 ओवर 5 ओवर तेज गेंदबाजों को स्विंग करता है, उसके बाद जो बॉल होता है ना बैट पे अच्छे से आता है, कब, जब बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, बैटिंग कंडीशन है, बाउंड्री लेंथ भी मीडियम है, मीडियम क्या मैं थोड़ा सा छोटी ही बोलूंगा, तो बाद में चौके छक्के लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा अगर विकेट बच गए तभी हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन जिस तरह से गेंदबाज स्विंग करवाते हैं ना, शुरू में 2-3 विकेट तो जाएंगे, जब 2-1-2 विकेट जाएंगे तो बाद में रन बनेंगे, तो लगभग मीडियम स्कोरिंग मैच ही देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से आज के मैच में पावर प्ले में 47 से 52 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 160 से 175 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल ने 7 मैच खेला 3 जीते 4 मैच हारा, मतलब दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है अपने इस विशाखापट्टनम वाले मैदान पे कुछ खास नहीं है, 1 जीते तो 1 हारते भी है। केकेआर की बात करें तो 1 मैच खेला इन्होंने भी हारा, तो केकेआर भी इस मैदान पे जो 1 मैच खेला उसे हारा है। दिल्ली वर्सेज केकेआर के बीच में इस मैदान पे पहली बार आमना सामना होगा, तो कौन सी टीम इस मैदान पे खतरनाक हो जाएगी, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल या दिल्ली कैपिटल्स की, तो देखो इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो कुलदीप यादव वो आ सकते हैं आज के इस मैच में, अगर पेट सही हो गया होगा, पिछले मैच में पेट खराब हो गया था, नीगल हो गया था, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया करें, आप ज्यादा बुरा मत माना करो, मे बी जैक फ्रेसर मैगर को भी 6वें नंबर पे घुस ही सकता है, किसकी जगह पे, अभिषेक पुरल या अभिषेक पुरल रह सकते हैं आनिश नोकिया की जगह पे। आप बोलोगे आनिश नोकिया यार गेंदबाजी है, तो क्योंकि इनके पास गेंदबाजी के ऑप्शन बन रहे, 7-8 ऑप्शन है, तो मुझे लगता है एक आधा गेंदबाज हटा सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बहुत रियर है, 10-15% का चांस है कि ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे अगर हम बात करें तो डेविड वॉर्नर फॉर्म में भाई साहब, 3 के 3 मैचों के जिसमें बढ़िया शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को, पिछले मैच में लंबी पारी भी आ गई जो लंबी पारी नहीं आ रही थी, आपको पता है डेविड वार्नर हमेशा फॉर्म में होते हैं, हमेशा रन बनाते रहते हैं, पृथ्वी शो को मौका मिला और पृथ्वी ने मौके को कबूला, कबूल के ऐसा चौका छक्का लगाया कि दिल्ली की शुरुआत खतरनाक कर दी, इस सीजन सबसे बढ़िया शुरुआत पृथ्वी शो और डेविड वार्नर ने दी, जो कि अच्छा भी था बढ़िया भी था दिल्ली के लिए। तो पृथ्वी शो आए हैं और साथ में फॉर्म लेकर आए हैं, बात करें मिशेल मार्च की तो अभी इनके बल्ले से ना लंबी लंबी पारियां नहीं निकले, 20-22-25 रन बना रहे, लेकिन जिस दिन लंबी पारी निकलेगी ना उस दिन मिशेल मार्च काफी खतरनाक दिखेंगे, उस दिन दिल्ली और भी ज्यादा जबरदस्त दिखेगी। मुझे लगता है आज वो दिन है जब ये खतरनाक दिखेंगे, खतरनाक दिखने का मतलब अगर 50-60 रन या 70 रन मारेंगे तो आपको पता है 25-30 बोल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ऋषभ पंत भी 2 मैचों में शुरुआत मिल रही थी, रन बॉल खेल लेते हैं, लेकिन पिछले मैच में शुरुआत में रन बॉल खेले, उसके बाद जब स्पीड पकड़ी, जब एस्केलेटर पे पैर रखा तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई, तो ऋषभ पंत भी बढ़िया दिख रहे, तो ऊपर के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं काफ़ी अच्छे में दिख रहे हैं, लेकिन तीस्तन अस्तब को इग्नोर मत करना, क्योंकि पिछले मैच में अच्छी बॉल पड़ गई, आउट हो गए, हो जाता है कभी कभी, ऐसे T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए 5वें नंबर पर, जो दूसरा मैच खेला था उसमें भी बढ़िया बल्लेबाजी राजस्थान के सामने इन्होंने करी थी, तो टॉप 5 बल्लेबाजी हम कह सकते हैं बढ़िया है। अगर जैक फ्रेसर मैगग आ जाते हैं तो आपको पता है बिग बैश में इनका एक तूफान आया था, अगर उस तूफान को दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी में ऐड कर दो तो टॉप 6 से तगड़े, अगर चलो इनको हटा भी दो तो अक्षर पटेल के अंदर आप सबको पता है वो दमखम है जो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं और की भी है बहुत बारी, फॉर्म उतनी अच्छी दिख नहीं रही है, बल्ले से गेंदबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं। अभिषेक पोरल की बात करें तो पहले मैच में जो लय दिखी थी उसके बाद 2 मैचों में वो लय दिख नहीं रही थी, मुझे लगता है दिखे भी नहीं, उस दिन तुक्का लग गया था, बाकी अभिषेक पोरल का तुक्का नहीं लगेगा। तो फिर भी अगर देखें तो 5-6 नंबर तक का तगड़ी बल्लेबाजी है, दिल्ली की गेंदबाजी की बात करें तो खलील अहमद ने तो खलबली मचा रखी भैया, एक आधा मैच में समझ में आता है कि चलो ठीक है 2-3 ओवर में बंदे ने 9 रन दिए, लेकिन दूसरे मैच में भी 9 रन देके 2 विकेट जिसमें से 1 मेडन, तो भैया गेंदबाजी तो खलील अहमद बढ़िया कर रहे हैं और ईशान शर्मा भी बहुत अच्छे से इनका साथ दे रहे हैं, हालांकि उल्टा मैं बोल गया, ईशान शर्मा एक्सपीरियंस गेंदबाज है, खलील अहमद कम एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बढ़िया गेंदबाजी करेगा तो उसको तो बोला जाएगा, तो खलील अहमद बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ईशान शर्मा उनका साथ दे रहे हैं, मुकेश कुमार ने तो पिछला जो मैच खेला ना 4 विकेट ले डाले थे कितने 8 बॉलों में, वो तो MS धोनी माही भैया का कैच छोड़ दिया था किसने, खलील ने, अच्छा किया छोड़ दिया क्योंकि बहुत दिनों बाद माही भैया की बैटिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल कहने का मतलब है मुकेश कुमार भी फॉर्म में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप तो पिछले मैच में थे नहीं, उनके आने के बाद तो गेंदबाजी और भी बढ़िया दिखेगी और भी सॉलिड दिखेगी, क्योंकि अक्षर पटेल तो किफायती होते हैं, विकेट चटकाते भी हैं। हाँ, आनिश नोकिया की बात करें तो नोकिया अभी उस तरह के लय में नहीं है, तो मे बी नोकिया की जगह पे जैक फ्रेसर मैगर या फिर जे रिचर्डसन को भी खिला सकते हैं, क्योंकि रिकी पोंडिंग कोच है तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की तरफ भाग सकते हैं, तो जो भी है
चाहे अनिश नोकिया खेलते थे, ये भी शानदार गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है, भले एक दो मैचों में लय ना दिखे, लेकिन जब जिस दिन लय दिखेंगे तो सबसे खतरनाक यही दिखेंगे। जे रिचर्डसन खेलते थे वो भी खतरनाक, और जैक फ्रेसर महंगर खेलेंगे, एक्सपीरियंस उतना नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल दिल्ली ने भले ही दो मैच हारे, लेकिन जो टीम है इनकी बढ़िया दिख रही है, और पिछले मैच में एक टीम की तरह आए थे तभी तो चेन्नई जैसी बड़ी टीम को हराया। वहीं दोस्तों बात करें केकेआर की, तो भैया केकेआर पूरा है तैयार। इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो नीतीश राणा आएंगे, वेंकटेश अय्यर हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेले, या नीतीश राणा ही खेलने, क्या फर्क पड़ता है, बल्लेबाजी तो दोनों को आएगी। अंगद क्रिस शायद इनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे पिछले मैच में लिया गया था, मैं थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हो रहा हूं, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई का नाम क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। ओवरऑल मुद्दे पे आते हैं तो देखो भैया, फिलिप सोल्ट तो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब इनको तो मिल गया है बढ़िया ओपनर, और साथ में सुनील नारायण जो 2012-14 में किया था वो कर रहे हैं 2024 में, क्योंकि गौतम गंभीर आ गए हैं इनके खेमे में, और सुनील नारायण उस तरह की फॉर्म में दिख भी रहे हैं जैसे पिछले मैच में पहला था ना, अगर ऐसे फिर से मारेंगे दोनों ना तो अच्छे अच्छे टीमों की धज्जियां तो उड़ने थे। इनकी ओपनिंग जोड़ी जो है वो परफेक्ट है, वेंकटेश अय्यर का लग रहा था कि थोड़ा क्या होगा, लेकिन पिछले मैच में दिखा दिया कि वेंकटेश अय्यर भी तैयार है, तो टॉप थ्री इनके परफेक्ट है। श्रेयस अय्यर के बल्ले से पिछले मैच में रन निकल गया तो ये भी परफेक्ट, और श्रेयस अय्यर तो खतरनाक बल्लेबाज है ही ना, ये हमेशा T20 में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। नीतीश राणा की बात करते ये भी लंबी पारी कम देखने को मिलेगी नीतीश राणा के, लेकिन 30-35-40 रन की पारी खेलते रहते तो ये भी में है। उसके बाद रिंकू सिंह कहां जाओगे भैया, एक से बचोगे तो एक, रिंकू सिंह ने जो आखिरी के 10-15 T20 मैच में किया, चाहे वो केकेआर के लिए हो, इंटरनेशनल T20 हो, भाई अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। रमनदीप सिंह को एक मैच में मौका मिला था, वो भी जबरदस्त पारी खेली। रसल मसल ने पहले मैच में जो तूफान आया था आप सबको याद है, दूसरे मैच में तो बल्लेबाजी ही ना आई। तो भैया 8 नंबर तक जो इनकी बल्लेबाजी है ना, अगर इसमें से 2-3 भी चल गए ना, सामने के गेंदबाज ना वो पानी मांगते रह जाएंगे, भैया पानी पिलाते रहो, चौके छक्के तो हम खा ही रहे हैं, तो जब चौके छक्के खाएंगे तो पानी तो पीना पड़ेगा। तो भाई ये होती है खतरनाक बल्लेबाजी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो मिशेल स्टार्क IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी उस तरह की परफॉर्मेंस दिखनी, दोनों मैचों में थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन मुझे लगता है मिशेल स्टार्क है, आप सबको पता है गेंदबाज जो है वो खतरनाक है, ये वापसी करना जानता है, मुझे लगता है आज इनकी वापसी होगी, बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। बाकी हर्षित राणा ने जो गेंदबाजी करके दी है ना, राणा साहब ने बल्लेबाजों को नंगा कर दिया, मतलब खतरनाक गेंदबाजी दोनों मैच में जबरदस्त। वरुण चक्रवर्ती उतनी लय में दिख नहीं रहे, लेकिन जल्दी लय में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो मिस्ट्री होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। सुनील नारायण तो बढ़िया गेंदबाजी साथ में कर रहे हैं, आंड्रे रसल बल्लेबाजी के साथ साथ भैया बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अनुकूल रॉय को पिछले मैच में मौका मिला, ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, हालांकि जो गेंदबाजी है वो उतनी सॉलिड नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो एक टीम वर्क है उस टीम वर्क के हिसाब से बल्लेबाजी इतनी खतरनाक है, ऑलराउंडर इनके पास 2-3 ऐसे हैं कि गेंदबाजी इनकी बैलेंस हो ही जाती है। तो भैया जो KKR है ना, सच में बहुत खतरनाक टीम मुझे नजर आ रही है, जिसके सामने पड़ेगी ना उसके तो नानी याद दिला देगी। बाकी अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहाव पे कंपैरिजन करें, उससे पहले मैं गिब्बे के बारे में बता दूं, देखो इस वीडियो में गिब्बे नहीं है, लेकिन इस मैच की जो फंटेसी वाली वीडियो है ना, उसमें आपको 4-5 लाख का गिब्बे मिल जाएगा, वो वीडियो आएगी अपसा विन फंटेसी वाले यूट्यूब चैनल पे, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ वो वीडियो देखो और गिब्बे 4-5 लाख का अपने नाम पे कर डालो। तो दिल्ली ने अपने आखिरी के 6 मैच पे 2 जीता, 4 मैच हारा, एंड दिल्ली की जो दुर्दशा है वो थोड़ी सी खराब है। KKR ने अपने आखिरी के 6 मैच में 4 जीता 2 हारा, KKR तो तैयार है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 183, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। दिल्ली की बात करें 179, ये भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 9.23 गेंदबाजी एवरेज होने का मतलब है दिल्ली की गेंदबाजी इतना थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये दोस्तों पिछले सीजन थी, इस सीजन जो पिछला 2 मैच खेला वहाँ पे दिल्ली के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, बल्लेबाजी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए आखिरी के 6 मैच में 2 जीते 4 हारे। वहीं बात करें KKR की गेंदबाजी एवरेज 8.93 जो गेंदबाजी एवरेज होता ना, हम इसे बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत खराब कहेंगे, मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी, बल्लेबाजी काफ़ी खतरनाक, तभी तो आखिरी के 6 मैच में 4 जीते 2 हारे। तो रिजल्ट में जो KKR की टीम है दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बल्लेबाजी एवरेज में 4-5 रन से आगे है KKR का बल्लेबाजी अवरेज दिल्ली से, और गेंदबाजी अवरेज ठीक ठाक है काफ़ी, किससे, दिल्ली के गेंदबाजी अवरेज। तो यहाँ पे KKR हर जगह दिल्ली से बेहतर नज़र आ रहा है, तो आज के मैच में क्या होगा चलो मैं आपको अभी बताता हूँ। बस अभी अभी आप जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ तो आपका फ़र्ज़ है भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कर दिया बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है ना वो 40 एंड 60 का, 40 दिल्ली कैपिटल 60 कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो
मजबूत टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को, तो मुझे लगता है जो आज का यह मैच है ना, दिल्ली कैपिटल अपने नाम पर कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का मैच है दिल्ली कैपिटल अपने नाम पर कर सकता है। बाकी आपको तो जानना होगा ना कि 6 ओवर में कितने रन बनेगा, 10 ओवर में, 15 ओवर में, 20 ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन से ओवर में विकेट जाएगा। तो भैया ये सारी चीजें ना आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है। अभी तक जो चीजें मैंने बोली है वही चीज हुई है। आपको यकीन नहीं है तो जाके मेरे टेलीग्राम पे देख लो, जब मैंने बोला विकेट जाएगा तब विकेट गया है कि नहीं गया, जब मैंने बोला है कि 10 ओवर में कितना रन बना, बना कि नहीं बना, 6 ओवर में जितना रन बोला बना कि ना बना, जिस टीम को मैंने बोला कि ये टीम मैच जीती कि वो टीम मैच जीती कि ना जीती। तो ऐसा करो, पहला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाके ज्वाइन करो, फिर देखना जो अभी तक 15-16 मैच हुए हैं, जो मैंने चीजें बोली है वो चीजें हुई ही है या नहीं हुई है। आज के मैच में आप आजमा लेना, आप देख लेना जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें होती है कि नहीं होती। अगर होगी तो बने रहना टेलीग्राम पे, नहीं होगी तो वापस आ जाना, कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते वापस आने के लिए जाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।